ब्रेस्ट में इचिंग होना क्या ये कॉमन है या किसी सीरियस मैटर का सिम्टम है? आइए जानिए हम अपने इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संध्या गुप्ता। आई एम अ ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट। तो ब्रेस्ट में इचिंग के कई कारण हैं, तो मैं आपको सारे कारणों के बारे में विस्तार से बताती हूँ और हर कारण का कैसे हम निवारण करें उसके बारे में भी आपको मैं डिटेल में साथ साथ बताती रहूँगी। सो सबसे पहले जो सबसे कॉमन कारण है वो है हार्मोनल फ्लक्चुएशन, यानी हार्मोन की चेंजेस बॉडी में, हार्मोन के प्रकोप का इफेक्ट। तो क्या होता है, हर महिला में जैसे जैसे उनका मेंस्ट्रुएशन का फेज चेंज होता है, हॉर्मोन्स में भी फ्लक्चुएशन आता है। इसके कारण इचिंग भी ब्रेस्ट में हो सकती है, लेकिन इस इचिंग से हमें घबराना नहीं है, किसी सीरियस कारण से नहीं है, ये एक रेगुलर सिम्टम है। सेकेंड कारण हो सकता है कि आपको कोई वहाँ पर इंसेक्ट बाइट हो गया हो, या कोई आपको वहाँ पर फॉलिकुलाइटिस जैसा लीजन हो गया हो। फॉलिकुलाइटिस यानी आपका जो बाल तोड़, अगर ऐसे कोई लीजन प्रेजेंट है तो हो सकता है आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़े। अगर कोई बहुत ज़्यादा रेडनेस, इचिंग, पेन के साथ ही लीजन्स प्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको एक एंटी इचिंग मेडिसिन भी हो सकता है लेनी पड़े, एंटीबायोटिक भी हो सकता है लेनी पड़े, पेन के लिए पेन किलर भी लेनी पड़े। लेकिन ये वाले सिम्टम्स आपके 7 से 10 दिन में अपने आप सेटल हो जाते हैं। थर्ड रीज़न हो सकता है एक्टोपिक डर्माटाइटिस, यानी एक तरह की चमड़ी की बीमारी है जो कि सीजनल चेंजेस हैं। सीजन में चेंज आने की वजह से आपके शरीर में, आपकी चमड़ी में इस तरह की एलर्जिक रिएक्शन होती है जिसे हम एक्टोपिक डर्माटाइटिस कहते हैं। तो ये आपको अगर इस तरह की बीमारी है, तो आपने साल में देखा होगा कि जैसे जब ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, बारिशों का मौसम है, तब ये एक्टोपिक डर्माटाइटिस ज़्यादा प्रेजेंट करता है। तो इसके लिए कुछ भी ना करके आपको एक स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम उस एरिया पे लगानी है, उसी से इचिंग में आपको काफ़ी फ़र्क मिल जाएगा। अगर स्टेरॉइड क्रीम खाली काम नहीं कर रही है तो आपको हो सकता है इचिंग के लिए मेडिसिन भी रात में सोने से पहले लेना पड़े। फोर्थ रीज़न आता है एलर्जी। तो अगर आपने कोई रिसेंटली इन सब चीज़ों में चेंज किया है, आपके परफ्यूम में या सोप में या अंडरगारमेंट जिससे वॉश करें उस डिटर्जेंट में, तो उस चेंज की वजह से आपको ये इचिंग हो रही है, तो आप अपने ओरिजिनल जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उन पे स्विच कर लेंगे तो आपको ये इचिंग अपने आप स्टॉप हो जाएगी। फिफ्थ रीज़न है जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा आपको बॉडी में स्वेटिंग हो रही है, तो उसके कारण जो आपका ब्रा है वो पूरा वेट हो जा रहा है और वो आपकी इचिंग का कॉज है। तो ऐसे में आपको बस दिन में 2 बार ब्रा बदल लेनी है जिससे कि आपका एरिया ड्राई रहे, तो इसी से आपको इचिंग में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। कभी कभी ड्राई स्किन के कारण भी इचिंग होती है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, जैसे सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, तो उस दौरान भी इचिंग आप फील कर सकते हैं। तो कोई भी आप मॉइस्चराइज़र या इमोलियंट आप उस एरिया पे लगा लेंगे तो आपको इस इचिंग से आराम मिल जाएगा। एंड फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कारण है वो है इल फिटिंग ब्रा, क्योंकि अगर आपकी ब्रा का फिट अच्छा नहीं है या उसका अगर फैब्रिक थोड़ा हार्श है तो वो फ्रिक्शन के कारण आपकी ब्रेस्ट में इचिंग कॉज कर सकता है। तो अगर आप अपने ब्रा का फिट चेंज कर लेंगे और जो उसका मटेरियल है अगर वो सॉफ्ट मटेरियल की ब्रा पहनेंगे जो कि फ्रिक्शन नहीं कॉज कर रही, जो कि रगड़ नहीं लगा रही है उस एरिया में, तो उससे भी आपकी इचिंग सेटल हो जाएगी। देखिए, ये सब तो वो कारण थे जिसमें कोई कैंसर का लक्षण नहीं है। तो कब इचिंग कैंसर का कारण हो सकती है? अगर इचिंग के साथ आपको कोई डिस्चार्ज भी आ रहा है निपल में से, या आपको कोई एक अंडरलाइंग गांठ महसूस हो रही है ब्रेस्ट के अंदर, या फिर आपको एक कोई घाव सा बन गया है जो बारी बारी आप घाव को छील लेते हैं, बारी बारी घाव भर जाता है फिर दोबारा आप छील लेते हैं, अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आपको ज़रूर ये डॉक्टर को चेक कराना है। अगर आपकी इचिंग बहुत लंबे समय से है और जो मैंने अभी आपको निवारण दिए उनसे भी आपको आराम नहीं आ रहा, तो भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर मिल लें, ताकि हम कोई भी अगर एबनॉर्मैलिटी है उसे जल्दी पिक कर लें एंड उसका जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। तो इसी तरह के और कॉन्टेंट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।